छिंदवाड़ा में भी नए साल में नए सरकार की पोस्टर लगाए गए हैं। लगभग पूरे जिले में 12 से भी अधिक पोस्टर लगाकर जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह संदेश देने का प्रयास किया गया है कि नए साल में नई सरकार बनेगी। होर्डिंग के नीचे मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री कमलनाथ भी लिखा गया है। कांग्रेस कमेटी के द्वारा यह पोस्टर पूरे जिले में जगह जगह लगाए गए हैं। गौरतलब हो कि इससे पहले भी प्रदेश में इस तरह के पोस्टर लगाकर कांग्रेस ने सुर्खियां बटोरी थी। पूर्व सीएम कमलनाथ के गृह क्षेत्र में इस तरह के पोस्टर लगाने से एक बार फिर छिंदवाड़ा सुर्खियों में आ गया है। हालांकि पोस्टर में साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस के द्वारा विकास से पहले आस्था को तरजीह दी गई है। भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस ने भी नए संकल्पों के साथ आस्था के साथ विकास लिखकर यह जताने का प्रयास किया है कि कमलनाथ सरकार भी आस्थावान है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओकटे ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि साल 2023 में कमलनाथ जी पूरे बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। हम 2023 का आगाज इसी संकल्प से कर रहे हैं कि हमें 2023 में आस्था और विकास के साथ पूरे विश्वास से मध्य प्रदेश में सरकार बनाना है। हम कमलनाथ के मार्गदर्शन में जीतेंगे। कांग्रेस सरकार आने के बाद छिंदवाड़ा में रुके हुए सभी विकास कार्य शुरू हो जाएंगे। ओकटे ने भाजपा पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने छिंदवाड़ा में यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज का बजट रोक दिया है, यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की जनता अभी भूली नहीं है। जब एक समुदाय विशेष के लोगों को नाथ कह रहे थे कि 100% मतदान करो, जब इनकी हालत खराब हो रही थी तो ये हिंदुओं का चोला ओढ़कर मंदिरों की फोटो दिखा रहे हैं, तब कहां गए थे कमलनाथ जी? जब आप वर्ग विशेष को 100% मतदान के लिए कह रहे हैं, तब इनको हिंदू याद नहीं आ रहे, आज इनको हिंदू याद आ रहे हैं। 7 सीटें जीतकर मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम कृत संकल्प थे। हम धर्म प्रेमी लोग, हम धर्म को लेकर चलते हैं, आस्था और विकास, आस्था और विश्वास को लेकर विकास करते हैं। छिंदवाड़ा जिला हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए बदला लेने वाला जिला रहा है। 2023 में माननीय कमलनाथ जी भारी मतों से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। और जो छिंदवाड़ा की जहाँ तक बात आती है, तो निश्चित रूप से छिंदवाड़ा में जो जितने विकास कार्य रुके हैं कि वो काम पूरे माननीय कमलनाथ जी प्रारंभ कराएंगे। ये अति उत्साह है, जैसा मैंने आपको कहा ना कि इनमें कांग्रेसियों में कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा, तो उनके कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो इनकी लड़ाई चल रही है, तो ये क्या पूरे पोस्टरों में राहुल गांधी का कहीं उल्लेख नहीं है, राहुल गांधी कहीं फोटो नहीं है? अब इनकी सरकार दोबारा कभी मध्य प्रदेश में बनने वाली नहीं है। मध्य प्रदेश की वो जनता नहीं, जनता भी वो नहीं भूली है। जब एक समाज विशेष, एक धर्म विशेष के लोगों को ये कह रहे थे कि आप 100% मतदान करो, तो अब जब इनकी हालत ख़राब हो रही है, तब ये हिंदू का चोला ओढ़ करके मंदिरों की फ़ोटो दिखा रहे हैं, तब कहाँ गए थे कमलनाथ जी जब ये एक विशेष समुदाय को कह रहे थे कि आपको 95% वोट करना चाहिए, आपको 100% वोट करना चाहिए, तब इनको हिंदू याद नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आज इनको हिंदू याद आ रहा है। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।